मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। जमैका में भारतीय हाई कमिश्नर के घर डिनर के लिए पहुंची टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज के सफल दौरे पर मौजूद भारतीय टीम ने जमैका में भारतीय हाई कमिश्नर निवास में बीती रात डिनर किया। इस मौके पर कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम मौजूद रही। शुक्रवार को शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से ठीक पहले सपोर्ट स्टाफ के साथ पूरी भारतीय टीम जमैका में डिनर के लिए भारतीय हाई कमिश्नर के निवास पर पहुंची। गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी पर कसा तंज। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को जमकर फटकार लगाई है। गंभीर ने इस बार अफरीदी के नियंत्रण रेखा LOC का दौरा करने की बात कहने पर उन्हें फटकार लगाई है। स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, बताया गर्दन पर गेंद लगने के बाद क्या कुछ एहसास हुआ था। दिग्गज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा है कि ऐसे सीरीज के दूसरे टेस्ट में जब जोफ्रा आर्चर की गेंद उनकी गर्दन पर लगी तब उन्हें अपने पूर्व साथी खिलाड़ी दिवंगत फिलिप ह्यूज की याद आ गई थी। ह्यूज की घरेलू मैच में सिर में गेंद लगने के कारण मौत हो गई थी। DDCA के सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष बने अतुल वासन। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन को बुधवार को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साल 2019 से 2020 सीजन में वासन की अध्यक्षता वाली समिति में अनिल भारद्वाज और विनीत जैन दो अन्य सदस्य होंगे। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब